इंदौर के रसोड़िया इलाके में चोरों ने हाईकोर्ट एडवोकेट और एमपीबी के रिटायर अधिकारी के यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों के परिवार राखी और संतरा दिवस की छुट्टियों के चलते बाहर गए थे। जब बुधवार को घर पहुंचे तो वारदात की जानकारी लगी। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज किया है। वहीं बाणगंगा इलाके की श्रीकृष्ण कुंज कॉलोनी में भी चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया है। पुलिस के मुताबिक प्लैटिनम पैराडाइज में रहने वाले वकील प्रदीप कुमार जैन के घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर यहां से दो सोने की चेन, 3 अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, कान की रिंग और 50,000 नगद, करीब 6 लाख रुपए का सामान लेके। प्रदीप जैन ने बताया कि वह परिवार के साथ जबलपुर गए थे। जैन के किराएदार भी राखी पर बाहर गए थे। जब वापस आए तो दोनों के यहाँ के दरवाजे टूटे पड़े थे। पुलिस के मुताबिक जैन के यहाँ पर कैमरे लगे थे लेकिन वह बंद थे। अब पुलिस आसपास के कैमरों के फुटेज तलाश रही है। वहीं बदमाशों ने नजदीक ही रहने वाले एमपीबी के रिटायर्ड अधिकारी महावीर जैन के घर को भी निशाना बनाया। वह भी पारिवारिक काम से बाहर गए थे। बदमाश घर से नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुरा कर ले गए हैं। चोरों ने बाणगंगा इलाके की श्रीकृष्ण कुंज कॉलोनी में भी वारदात को अंजाम दिया। चोर मुस्तफा कपड़िया के यहाँ से नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए हैं। बदमाशों ने यहाँ राजेंद्र जैन के घर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं एक अन्य घर के भी ताले तोड़े हैं। पुलिस के मुताबिक यहाँ पर पूछताछ के लिए गार्ड और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।